देखो अभी आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि चिंतामणि जो प्ले है, आंध्र प्रदेश का प्ले, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इस पर जो बैन लगा दिया गया है इस पर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया है। ठीक है, अब देखो चिंतामणि प्ले का पूरा नाम है चिंतामणि पाद्य नाटकम। ये आंध्र प्रदेश का एक तेलुगु प्ले है। ठीक है, ड्रामा होता है ना, जैसे स्टेज ड्रामा आपने देखा होगा वैसा ही एक प्ले है। ये 100 साल पुराना है, ये आज का नहीं है, 100 सालों से ये होता आ रहा है। ठीक है, वहाँ का एक ये तेलुगु नाटक माना जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये एक स्टेज में किया जाता है, ये पूरा नाटक जो है स्टेज में किया जाता है। आपने अगर कभी ड्रामा देखा होगा स्टेज या थिएटर में होता है जो, तो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, आप एक बार देख सकते हो जाके। ये नाटक आज से लगभग 100 साल पुराना है, जिसको लिखा था राइटर कल्लकुरी नारायण ने। ठीक है, नाम क्या है, ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, इनका नाम क्या है, कल्लकुरी नारायण राव। अब देखो ये एक राइटर भी थे, ये एक पोएट भी थे, इन्होंने काफ़ी सारे लेख लिखे हैं, जिसमें से ये एक इन्होंने प्ले लिखा था जिसका नाम चिंतामणि था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्ले के राइटर का नाम क्या है, तो इस प्ले के राइटर का नाम है कल्लकुरी नारायण राव। 100 साल पहले इन्होंने ये लिखा था। इस प्ले को लिखने का इनका एम क्या था, ये था कि देह व्यापार, मतलब आपको पता है ना प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार के कारण जो फैमिलीज़ पर प्रॉब्लम आती है, जो प्रभाव पड़ता है, और देवदासी सिस्टम जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, देवदासी सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, ये एक तरह का देह व्यापार ही हुआ करता था। ठीक है, देवदासी सिस्टम में होता क्या था कि फैमिलीज जो होती थी वो अपनी बेटी को प्यूबर्टी अटेंड करने से पहले ही मंदिर में किसी भगवान से या टेंपल से शादी करा देते थे। मतलब समझ रहे हो, देवदासी भगवान की दासी बन जाती थी वो, नाम के तौर पर उनकी शादी भगवान से करा दी जाती थी जब वो बच्चियां प्यूबर्टी भी अटेंड नहीं करती थी उससे पहले ही। ठीक है, या तो टेम्पल से उनकी शादी करा दी, तो पूरी तरीके से वो बच्चियाँ जो है वो मंदिर को ही समर्पित रहती थी। तो अब धीरे धीरे, ये बहुत ही पुराना एक रीति थी, पुरानी एक रीति थी, लेकिन धीरे धीरे अभी देखा यह जा रहा था कि देवदासी सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा बातें उठने लगी थी, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ को लेकर धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जा रहा था। ठीक है, मतलब देवदासी सिस्टम के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन चलाया जा रहा था। तो यह होता है देवदासी सिस्टम। तो इस नाटक में चिंतामणि पाद्य नाटकम, इसमें जो राइटर ने लिखा है वो देवदासी सिस्टम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। इसमें, इस प्ले में राइटर ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो सोशल एविल्स है, मतलब समाज की जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनका शिकार होकर लोगों द्वारा अपने परिवारों की उपेक्षा करी जाती थी, मतलब अपने परिवार को नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो इस नाटक का जो इम्पोर्टेंट, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चिंतामणि, चिंतामणि के नाम पर रखा गया, जो कि देह व्यापार में शामिल परिवार में जन्मी एक लड़की थी। ठीक है, तो चिंतामणि जो नाम रखा गया है वो एक कैरेक्टर का नाम है, और जब ये प्ले होता है तो जो भी ये कैरेक्टर निभाता है उसका नाम चिंतामणि होता है, और ये कैरेक्टर पूरी तरह से ऐसा रहता है कि चिंतामणि जो थी वो एक लड़की थी जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परिवार देह व्यापार में शामिल था। ठीक है, तो ये पूरा जो प्ले है ये इसी तरीके से दिखाया जाता है। अब कुछ समय से इस प्ले को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इस प्ले में बहुत ही गलत तरीके से, गलत भाषा का उपयोग किया जाता है, बहुत गलत तरीके से इस प्ले को दिखाया जाता है, वल्गर है बहुत ऐसा। आप एक बार देखना यूट्यूब में, कई सारे इसके वीडियोज़ डाले हुए हैं। ठीक है, तो मतलब रियल जो प्ले होता है उसके वीडियोज़ डाले हैं। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि गलत भाषा का उपयोग हो रहा है, उसके बाद गलत तरीके से इस प्ले को दिखाया जा रहा है, कई सारे ऑब्सीन इसमें कमेंट्स हैं, उसके बाद कई सारे गलत इसमें सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही पुराना एक प्ले है, अभी तक चलता आ रहा है, तो इसीलिए एकदम से बैन तो इसमें नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी इस बैन को हटाने की मांग करी है। ठीक है, और बैन किया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने इस प्ले को देख करके ऑब्जेक्शन उठाया है कि इसमें जो कुछ डायलॉग्स है और पोर्ट्रेयल जो है इस कैरेक्टर का, चिंतामणि कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसको लेकर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए सरकार ने इसको बैन करने का आदेश दिया था। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस बैन को हटाने के लिए बोला है, क्योंकि ये बहुत ही एक पुराना प्ले है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में ये आपको काम आएगा, UPSC में या PSC में जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक होता है उसमें ये पूछा जा सकता है कि चिंतामणि क्या है, लड़की का नाम है क्या है। मतलब लड़की का नाम अगर देगा तो ठीक है, पर ये एक प्ले है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है चिंतामणि पाद्य नाटकम, और ये प्ले है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, एक तेलुगु प्ले है जिसको लिखा है कल्लकुरी नारायण राव ने 100 साल पहले, और इसमें बीच बीच में
कंट्रोवर्सी हो जाती है, और अभी तो इसको बैन ही कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए आखिर है क्या, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल ये पूछा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।